Assalamualaikum guys, I'm Saad Amjad and you are watching Innovative Bid Solutions. So guys, हमारा unpaid marketing cover हो चुका है, ठीक है। अब unpaid marketing के बाद मैंने बात की थी कि हमने क्या करना है, हमने paid marketing पढ़नी है basically, ठीक है। ये paid marketing कैसे है, मतलब उसमें हम marketing करते थे, अपनी lead generate करते थे, अपनी जो है ऑडियंस को अपने पेज पे अपनी पोस्ट के ऊपर लेकर आते थे, अपना कंटेंट हम डिफरेंट ऑडियंस तक पहुंचाते थे, ठीक है। लेकिन विदाउट एनी फी, विदाउट एनी कॉस्ट, जस्ट आपकी क्या लग रही थी, मेहनत लग रही थी, क्योंकि आप शेयर कर रहे थे, आप बाकी चीजें जो कर रहे थे उसके साथ, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें सिर्फ ये है कि आपने जो पोस्ट है उसको आपने कहना है मार्केट करो। किसको कहना है, फेसबुक को कहना है, फेसबुक आपके लिए मार्केट करेगा, ठीक है। अब फेसबुक मार्केट कैसे करेगा, फेसबुक मार्केट ऐसे करता है कि फेसबुक ने आपका जो डाटा होता है, आप जब फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो आपका डाटा जितना भी होता है वो फेसबुक यूज करता है, किसके लिए, मार्केट पर्पस के लिए, ठीक है। तो बेसिकली फेसबुक क्या करता है, फेसबुक को पता है कि आप कहाँ रहते हैं, फेसबुक को पता है आपके इंटरेस्ट क्या है, आप क्या चीज सर्च कर रहे हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, काफी हद तक फेसबुक को ये सारा कुछ पता होता है। तो अब फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक इस डाटा को एक एल्गोरिथम में डालता है जिसके थ्रू वो इसको सेंस करता है कि आप इस टाइम आपका इंटरेस्ट वगैरह हर चीज किस उसमें है, ठीक है। जब आप इस चीज को मार्केट करते हैं तो आप कहते हैं कि मेरी ये वाली पोस्ट है, ठीक है, फेसबुक को नहीं पता पोस्ट कैसी है, आपने बताना है कि मेरी ये वाली पोस्ट है, इसको आपने किन टाइप्स के पीपल तक पहुंचाना है और किस एरिया में पहुंचाना है, ठीक है। देन फेसबुक ही आपके लिए काम करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है फेसबुक को पे करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पेड मार्केटिंग। तो बगैर किसी वेट के स्टार्ट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हम अपनी जो पोस्ट है उसको किस तरह हम फेसबुक के ऊपर मार्केट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लें, यहाँ पे आके आप लिखें फेसबुक, ठीक है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह अपनी फेसबुक के ऊपर मार्केट करते हैं, और हाँ ये मेटासूट के बगैर है। मेटासूट क्या होता है ये हम पढ़ेंगे बाद में, अभी ये फिलहाल मेटासूट के बगैर है, ये सिंपल आपको आसान तरीका बता रहा हूँ मार्केट करने का। आपने यहाँ पेजेस में आना है और यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ ये देखें स्विच नहीं करना, स्विच प्रोफाइल के बगैर आपने जस्ट अपना पेज ओपन कर लेना है टैप करके, देन आप यहाँ पे आपका ये पेज ओपन होगा और उसके बाद आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल जो है उसको बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे, आपका दिल करे तो आप अपनी किसी भी वीडियो को जो आपने पोस्ट की हुई है उसको बूस्ट कर लें, ठीक है। आपका दिल करे तो आप किसी भी पिक्चर को जो आपने पोस्ट की हुई है आप उसको बूस्ट कर लें, ठीक है। बेसिकली दो चीजें ही होती हैं, पोस्ट होती है या जो आपकी वीडियो होती है या पिक्चर होती है पोस्ट के अंदर, ठीक है। तो आप इन दोनों में से, या आपका कंटेंट भी होता है जो आपने खुद लिखा हुआ होता है, ठीक है। जस्ट लाइक मैं आपको शो कर दूं ऐसे, ठीक है, ये वाला कॉन्टेंट, सिंपल, इसमें कोई पोस्ट कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ रहा है मार्केट करने का। और मार्केट हमने करनी कैसे है, हमने सिंपल क्या करना है, हमने आके यहाँ पे टैप करना है बूस्ट पोस्ट पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने बूस्ट पोस्ट पे टैग किया और ये एक मेरे सामने विंडो ऐसी ओपन हो गई है नेक्स्ट टैब में, ठीक है। और ये लॉर्ड भी हो गया है कि हमारी पोस्ट अगर बूस्ट होगी तो हमें नजर कैसे आएगी, ऐसे आएगी, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहला चीज आ रही है क्या, गोल। वो यहां पे क्या कह रहा है, व्हाट रिजल्ट वुड यू लाइक फ्रॉम दिस एड, क्या आप अपने रिजल्ट किस टाइप के चाहते हैं। यहाँ पे फिलहाल ऑटोमेट किया हुआ है तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आगे आ जाते हैं एडवांटेज प्लस क्रिएटिव, ठीक है। लेवरेज फेसबुक डेटा टू ऑटोमेट डिलीवर डिफरेंट एड क्रिएटिव वेरिएशन टू पीपल व्हेन लाइकली टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, तो इसको ऑन ही रहने दें आप, ठीक है। यहाँ पे बटन, अब बटन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बटन कौन सा है, ये वाला बटन है कि सेंड मैसेज, सेंड मैसेज किसमें, आपके मैसेंजर के उसमें, ठीक है। अब ये यहाँ पे सेंड मैसेज है, आप यहाँ पे आके चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नो बटन कर सकते हैं, बुक नाउ कर सकते हैं, लर्न मोर कर सकते हैं, साइन अप, शॉप नाउ, अगर आप यहाँ पे शॉप अलॉटेड है और यहाँ पे
कॉल नाउ का जो बटन है, ठीक है, आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास आ गई स्पेशल ऐड कैटेगरी। अगर आपकी ऐड कैटेगरी कोई एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग या सोशल इश्यूज या इलेक्शन और पॉलिटिक्स के हवाले से है, देन आप इसको ओके कर देंगे, इसको ऑन कर देंगे, अदरवाइज इसको क्लोज ही रहने दें, ठीक है। देन आप नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको सिंपल वो कह रहा है कि आप मैसेज, यहाँ कह रहा है वो इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम जो मेरा कनेक्टेड है इसके साथ, ठीक है, उसके ऊपर कह रहा है कि इन दोनों के ऊपर आपकी जो मैसेज की ऐप है वो यहाँ पे हो, कि मतलब मैसेज यहाँ पे आ सके। मैं ये व्हाट्सएप है इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा व्हाट्सएप है वो भी कनेक्ट हो गया साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन वगैरह आया है, तो अभी फिलहाल यहाँ बटन नहीं आया, लेकिन ये है कि आपका जब ये व्हाट्सएप ऐड हो गया तो आप अब यहाँ पे अपना जो बटन है, क्योंकि हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट बटन आ रहा है वो वाला है जो हमने अपना सेट किया हुआ है। कहाँ सेट किया हुआ है? यहाँ पे पोस्ट के अंदर, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पे सेट है वही बाय डिफॉल्ट वहां पे आ रही है। तो यहाँ पे अब मैं नीचे आता हूँ मजीद, यहाँ मेरे पास क्या चीज़ है, वेलकम मैसेज। ये वो मैसेजेस हैं जो बाय डिफॉल्ट, जिसके क्वेश्चंस, जिसके आंसर्स बाय डिफॉल्ट सेट होते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ हेलो हाउ आर यू, ठीक है, और इसका आंसर भी मैं सेव कर दूँ आई एम फाइन थैंक यू, ठीक है, इसमें क्या होगा, हेलो हाउ आर यू आपको सजेस्ट आएगा, आप जस्ट टैप करोगे, वो मुझे कौन टैप कर रहा है, क्लाइंट टैग कर रहा है और कस्टमर टैग कर रहा है, या यूजर जो है वो टैप कर रहा है, और किसको मैसेज आ रहा है, मुझे आ रहा है मैसेज। लेकिन अगर मैं फिलहाल ऑफलाइन भी हूँ, ऑनलाइन हूँ या ऑफलाइन हूँ डजेंट मैटर इसमें, ठीक है, अगर मैं ऑफलाइन या ऑनलाइन हूँ तो ये ऑटोमेटिकली उसका आंसर, क्योंकि मैंने उसमें सेव किया हुआ है आई एम फाइन थैंक यू, तो ये वहां पे आपको ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे आके इसको एडिट करें, ठीक है, और यहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चंस आप ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ पे बिल्कुल इजीली ऐड कर सकते हैं। ये इस टाइप से आपको आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस, जो भी इसको टैप करेगा, ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैसेज सेंड हो जाएगा, और इसके अगेंस्ट जो आंसर सेट होगा, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ होगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली जैसे क्वेश्चन रिसीव होगा, क्वेश्चन सेंड होगा, आंसर भी आ जाएगा खुद ब खुद ही, ठीक है। तो कस्टमर को एक फौरन से जो उसके क्वेश्चंस होंगे, जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं, FAQs होते हैं, वो हम यहाँ पे एंटर करते होते हैं बेसिकली, और उनके आंसर्स भी एंटर कर देते हैं, ताकि कस्टमर को जो है ये प्रॉब्लम ना हो, मतलब अगर मैं ऑनलाइन हूँ या ऑफलाइन हूँ तो कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो, उसको उसके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, ठीक है। इसके बाद ऑडियंस है, ठीक है। अब ये ऑडियंस यहाँ पे क्या है, एडवांटेज ऑडियंस, ठीक है, यहाँ पे फिलहाल उसने एडवांटेज ऑडियंस किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे आके यहाँ चेंज कर सकते हैं, पीपल यू चूज थ्रू टारगेटिंग, पीपल हु लाइक योर पेज, पीपल हु लाइक योर पेज एंड पीपल सिमिलर टू देम, ठीक है, आप यहाँ पे आगे ये कर सकते हैं, सिंपल ये आपने किया। यहाँ पे आपको कह रहा है कि अब आप इसको एडिट करके मजीद क्या कर सकते हैं, या फिर आप एक और काम भी कर सकते हैं, वो क्या है, आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ऑडियंस सेलेक्ट करने का मतलब आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी ऑडियंस के जिन जिन के पास ये पहुंच जाए वो कैसी होनी चाहिए, उनके इंटरेस्ट, उनकी जो डिटेल है वो कैसी होनी चाहिए, जो मैंने आपसे स्टार्ट की वीडियो, जो वीडियो के स्टार्ट में आपसे मैंने बात की थी, ठीक है, ये क्रिएट क्यों करता हूँ मैं। अब ये मुझसे कह रहा है इस ऑडियंस का नाम बताओ जो आप ऑडियंस बनाने जा रहे हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो मर्जी नाम लिख दूँ, या मैं टेक AUD यानी कि टेक ऑडियंस के नाम से कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ जेंडर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, देखें स्पेसिफिक जेंडर के मतलब सिर्फ ये मेन तक जाए या वुमेन तक जाए, मेरी मर्जी, मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे दोनों के लिए चाहिए तो मैं यहाँ पे ऑल रहने देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एज फैक्टर क्या है, मैं कह रहा हूँ 18 से लेकर कहाँ तक जाए, क्योंकि मेरी टेक्नोलॉजी के लिहाज से है, तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा वो मैं 40 तक कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया कि अब किस एरिया में, लोकेशन पूछ रहा मुझसे कि मुल्तान प्लस 10 माइल, मतलब मुल्तान और मुल्तान के सेंटर से लेकर, जो मुल्तान के सेंटर से एरिया जो बनता है वो 10 माइल्स के अकॉर्डिंग ये रेडियस जो होगा उसको ये यूज करेगा, उसके उस रेडियस के अंदर रहते हुए ये मार्केट करेगा, उस रेडियस के अंदर रहते हुए जो पीपल होंगे उनमें से ये चूज करेगा कि जो हमारे क्राइटेरिया के साथ मैच करेंगे उन तक ये वाली एड पहुंचाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपने मजीद कोई भी ऐड करना है तो आप यहाँ से क्रॉस करेंगे और इसको यहाँ पे अपनी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे मुल्तान ही ऐड करता हूँ,
मुल्तान पंजाब पाकिस्तान, ये देखें ये आ गया। अब मैं ये देखें उसने क्या किया था, माइल्स में था, यहाँ मैं किलोमीटर्स के साथ मैं कर सकता हूँ, देखिए मैं कितना कम कर रहा हूँ उतना कम होता जा रहा है। तो 30 किलोमीटर्स अगर मैं रन देता हूँ इसको, ठीक है, तो इतना ही काफ़ी है फिलहाल। आपको मजीद चाहिए तो आप मजीद इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं एक और काम यहाँ कर रहा हूँ। अब वो कह रहा है मुझसे कि ऑडियंस डिटेल्ड टारगेटिंग, मतलब जो मेरी ऑडियंस के इंटरेस्ट हैं, जो मेरी ऑडियंस की जो जितनी भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे मुझे एंटर करनी पड़ेगी। अब वो कैसे करनी है, जस्ट मैं यहाँ ब्राउज करता हूँ, ये देखिए ये मेरे पास एक टैब ओपन हुआ है। इसके अंदर वो कह रहा है डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स, ये तीनों चीजें हम टारगेट कर सकते हैं उन पर्टिकुलर पीपल और पर्टिकुलर ऑडियंस की जिसे हमने टारगेट करना है, जिस ऑडियंस के को फेसबुक हमारे लिए टारगेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब करना कैसे है, सिंपल मैं एजुकेशन का टैब ओपन कर रहा हूँ, वो एजुकेशन लेवल है उसका टैब ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे वो कह रहा है एट हाई स्कूल, क्या मैं हाई स्कूल वाले को ये शो करवाना चाहता हूँ, नहीं, यूनिवर्सिटी, हाँ यूनिवर्सिटी वालों को शो करवाना चाहता हूँ, ठीक है। जिन जिन को आप शो करवाना चाहते हैं आप वो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट वालों को, डॉक्टरेट की डिग्री वालों को, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप करना चाहते हैं फाउंडेशन डिग्री है इसको भी कर लें, हाई स्कूल लीवर है, ठीक है, तो ठीक है इसको भी कर लें, मास्टर डिग्री वालों को, प्रोफेशनल डिग्री वालों को, सम हाई स्कूल नहीं, सम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कर लें, सम यूनिवर्सिटी और फिर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, ओके इसको कर लें, अनस्पेसिफाइड नहीं। अब किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, जो कोई आपकी फेमस यूनिवर्सिटी है जो इसके अंदर आ जाए, ठीक है। सारी यूनिवर्सिटी खासतौर पे जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनमें से बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप वहाँ पर उनको टारगेट करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। मैं फ़िलहाल यहाँ पे मुल्तान के वाले से बात करूँ तो कोई भी इसमें ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पे टारगेट नहीं करता, ठीक है। अंडर ग्रेजुएटेड ईयर्स, ठीक है मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। अब वो कौन सा मुझसे पूछ रहा है किस ईयर में, ठीक है, अंडर ग्रेड ईयर्स कौन से होने चाहिए। अब वो मैं यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ कि लाइक 2013 तो बहुत दूर था, तो मैं 2020 से कर लेता हूँ, ठीक है, 2020 से 2023, या मे बी जिसकी अब बाद में डिग्री ख़त्म होनी है तो मैं यहाँ 2016 तक कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद आ गया फाइनेंशियल, फाइनेंशियल के हवाले से इनकम का टैब है, ये ओपन करेंगे तो बता रहा है कि जिसकी हाउस होल्ड अमाउंट, ठीक है, वो हो 10% ऑफ जिप कोड, ठीक है, ये यूएसए के हवाले से है सारी की सारी। तो मतलब मेरा तो इससे अभी लिंक ही नहीं है, मैं मुल्तान में करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट ही नहीं करता, ठीक है। अब लाइफ इवेंट्स हो गए, ठीक है, अब लाइफ इवेंट्स में एनिवर्सरी आ गई, एनिवर्सरी विद इन 30 डेज, जिसकी एनिवर्सरी 30 डेज के अंदर है उसको सिलेक्ट कर लूँ, एनिवर्सरी विद इन 31 टू 60 डेज, जिसकी एनिवर्सरी इस वीक इस मंथ में है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया ऑलरेडी, जिसकी एनिवर्सरी नेक्स्ट मंथ में है उसको मैं सिलेक्ट करूँ, बिल्कुल मुझे तो कोई भी है, मतलब अगर मैं टेक के वाले से बात करूँ फिर ये दोनों काम नहीं करते, लेकिन अगर आपकी ऐसी कोई चीज़ है जो आप ई कॉमर्स के वाले से सेल कर रहे हैं, कुछ भी, कुछ गिफ्ट वगैरह कुछ भी है, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अवे फ्रॉम फैमिली, ऐसा कोई हो जो अपनी फैमिली से दूर रह रहा हो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अवे फ्रॉम होम टाउन, जो अपने होम टाउन से, अपने घर से, जो उसका होम टाउन उसने एंटर किया हुआ है उससे दूर रह रहा हो, ठीक है, तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे मंथ ऑफ बर्थ है, ठीक है। अब मैं यहाँ देखें सिलेक्ट कर सकता हूँ जिसकी बर्थडे अप्रैल में हो, जिसकी बर्थडे अगस्त में हो, जिसकी बर्थ दिसंबर में हो, जिसकी बर्थडे फरवरी में हो, जनवरी में हो, ठीक है। अब ये सारा कुछ मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ इस तरह से, ये बहुत सारी डिटेल्स हैं, आपको एक एक के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके अंदर मजीद ऑप्शंस ओपन होंगे, अब उनमें से आपको जो जो है उसको चूज करते जाना है और इसके आगे कर जाना है। फिर इसके बाद ये देखें जो जो आप चूज कर रहे हैं वो यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोई चीज लगे, लाइक मैं कहता हूँ कि ये जो डॉक्टरेट डिग्री वाले हैं, ठीक है, इनको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, जस्ट आपने यहाँ क्लिक करना है और वो वाला टैग रिमूव हो जाएगा आपके उससे, ठीक है। तो ऐसे आप डेमोग्राफ ग्राफिक्स हो गए, इंटरेस्ट भी आप ऐसे ही करेंगे, सेम ऐसे ही है इंटरेस्ट में भी, ये देखें सेम ऐसे ही आप ओपन करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, बिहेवियर्स के अंदर भी आप सेम ऐसे ही है, हर चीज़ आप ओपन करेंगे और यहाँ से इसको फिर मजीद ओपन करेंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे,
ठीक है, तो ये सारा का सारा जब आप पढ़ेंगे, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है या आपको थोड़ा बहुत मतलब उनके नाम से पता चल रहा है, तो आपको पता चल रहा होगा कि इसको क्या चाह रहा है फेसबुक बेसिकली। ठीक है, तो जस्ट आपने ऐसे ये सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से टैप कर दें। ठीक है, आई यू वॉन्ट टू क्लोज द ऑडियंस डायलॉग बॉक्स, कन्फर्म कर दें। ठीक है, अब फिलहाल हमारा जो है वो क्रिएट हम कर रहे थे लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पे आके इसको ऐसे ही हर चीज़ का करेंगे, ब्राउज करने के बाद आप क्या करेंगे, सिंपल ये ऑडियंस डेफिनेशन वो बता रहा है स्पेसिफाइड और ये ऑनबोर्ड वगैरह सारा कुछ, फिर आप जाके यहाँ सेव ऑडियंस कर देंगे। ठीक है, सेव ऑडियंस करने के बाद कंफर्म कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सेव ऑडियंस करने के बाद वो ऑडियंस आपको यहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, यहीं पे आपको ऑडियंस मिल जाएगी और आप जस्ट वहां पे ऐसे जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, आप वहां पे क्लिक करके उस ऑडियंस को चूज कर सकते हैं कि मैं इस ऑडियंस पे टारगेट करना चाह रहा हूँ, या फिर अगर आप इसी ऑडियंस के अंदर रहते हुए चेंजेस करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे आके क्लिक करें और वही चीज सारी की सारी आपके सामने ओपन हो गई है। ठीक है, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये एड लगाने का क्राइटेरिया है, एड कैसे लगाते हैं हम वो देख रहे हैं। ठीक है, ये पेड एड है, फिर इसके बाद आप ये देखेंगे कि ड्यूरेशन क्या है, 7 डेज, मैं इसको कम करके 3 डेज कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं 3 डेज कर दूँ, मैं लिखना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, वो कह रहा है कि एड्स डेट रन फॉर एटलीस्ट 4 डेज टेंड टू गेट बेटर रिजल्ट, वो मुझे बता रहा है कि आप कम से कम इसको 4 दिन के लिए रन करें। ठीक है भाई, मान लेते हैं 4 दिन के लिए कर लेते हैं। ठीक है, अब वो स्टार्ट ये एंड डेट बता रहा है कि भाई स्टार्ट तो अभी से हो जाएगी लेकिन एंड कब होगी, 17 जनवरी। ठीक है, ओके, सो इसके बाद फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आके आप अपना जो आपकी पेमेंट है उसको चूज कर लेंगे, आपका बजट कितना है। ठीक है, अगर मैं 1200 सेलेक्ट किया तो ये 4 डेज में इस 1200 को डिवाइड करेगा, डिवाइड कैसे करेगा कि 300 4 डेज के लिए, 300 डेली के खर्च करेगा। ठीक है, अब ये मुझे बता रहा है कि एस्टिमेटेड 1.2K to 3.4K पीपल रीच पर डे, कि हर डे तकरीबन ये 1200 या 3400 के आसपास पीपल जो है उसको रीच करेगा। ठीक है, अब ये बताएगा अभी से जब हम कर लेंगे तो इसके बाद में मैं बताएगा कि कितने पीपल रीच हो रहे हैं डेली की, आपको अपडेट देगा ये। ठीक है, फिर उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपने आपके सिलेक्ट करना है कि आपने जो एड है वो चलानी कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, फेसबुक पे तो चल ही चल रही है क्योंकि हमने फेसबुक से ही ओपन किया हुआ है, तो इसके बाद आप यहाँ इंस्टाग्राम या मैसेंजर आपकी मर्जी हो तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो बेटर यही है कि आप इंस्टाग्राम और मैसेंजर सेलेक्ट कर लें ताकि ये आपके लिए ज़्यादा पीपल तक भी पहुंच सके और वहाँ पे भी जो ऑडियंस है उसको भी टारगेट कर सके। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास है पेमेंट, पेमेंट मेथड आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, वो आपका डेबिट कार्ड हो तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि डेबिट कार्ड में जब भी। ठीक है, तो पेमेंट मेथड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और इसमें अगर डेबिट कार्ड हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि डेबिट कार्ड से ये होगा कि जब भी आपकी पेमेंट कट होने लगेगी तो आपको सबसे पहले वहाँ मैसेज आएगा, देन आप उसका मैसेज को रिप्लाई करेंगे, देन जाके वहाँ पे वो ओके होगा, अदरवाइज वो आपकी पेमेंट डिडक्ट नहीं होगी। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड होता है वहाँ से आपको बगैर किसी पेमेंट के, ठीक है, बगैर किसी मैसेज के, बगैर किसी इंटरप्ट के वो आपकी पेमेंट कट होती रहेगी। ठीक है, तो बेटर यही है कि आप इसको अपना डेबिट कार्ड यूज करें और इसके बाद सिंपल आपने आगे यहाँ पे बूस्ट नाउ पे क्लिक कर देना है और आपकी यहाँ पे पूछ हो जाएगी। अब इसमें एक और चीज़ है कि हम देखते हैं कि ये प्रीव्यूज हमें कैसे शो करता है, सीआर प्रीव्यूज में कर रहा हूँ, ये मुझे शो कर रहा है कि डेस्कटॉप फीड पे मेरी जो एड है वो कैसी नजर आ रही है, मोबाइल फीड पे कैसी है, इंस्टेंट आर्टिकल्स वगैरह और यहाँ पे सारी जगह मुझे ये शो कर रहा है, अभी फिलहाल लोड हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पे जब आपका डेस्कटॉप के ऊपर कोई भी ऐड आएगी तो वो ऐसे शो करेगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद जो मोबाइल फीड के ऊपर आपके पास ऐड आएगी वो ऐसे कुछ शो होगी, और उसके बाद जो इंस्टेंट आर्टिकल्स हैं वहाँ पे आपकी ऐसी शो होगी, फिर उसके बाद आपके पास इन स्ट्रीम वीडियो वो अभी फिलहाल यहाँ पे इसने शो नहीं कर रहा, एरर आ गया कोई इसका। ठीक है, और फिर इन स्ट्रीम वीडियो मोबाइल के ऊपर ऐसे शो होगी। ठीक है, तो ये आपकी मतलब हर जगह आपकी ऐड चलेगी और सजेस्टेड वीडियोस के साथ आपकी ऐसे चल रही होगी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं।
इसके अलावा आपके पास ये बता रहे यहाँ पर कि पीपल रीच वगैरह सारा जो हमने वहाँ देखा था वही चीज़ यहाँ पे भी है। रिप्लाइज 0 to 6 हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पेमेंट समरी है कि आपकी ऐड 4 दिन के लिए चल रही है, टोटल बजट है 1200 और ये आपको सारा कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद आप अपने आराम से बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, हमने देखना था कि हम किस तरह अपनी जो ऐड है फेसबुक के ऊपर लगा सकते हैं, पेड प्रमोशन कर सकते हैं और पेड एक्चुअली मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके मज़ीद कुछ टूल्स हैं जो हम देखने वाले हैं और उन टूल्स को हमने यूज़ कैसे करना है और उन टूल्स के ऊपर हमें फ़ायदा क्या है, फेसबुक ने वो टूल्स बनाए क्यों, तो उसके ऊपर भी फिर बात करेंगे। तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।